सब से न्यारी। आजकल घर घर बैठा के मंदिर में, आजकल घर घर बैठा के मंदिर में, नारी के चर्चा करल जाला यरे रे रे रे, अरे रे रे रे, नारी जाती है सब से न्यारी। नमस्ते आरादाब, नारी तरक्की के है कार्यक्रम में आप लोग के स्वागत करत हैं सर। यहाँ नवा बरिस आए के बाद और क्रिसमस के माहौल में है सर, तो हमने सोच लीजा काहे नहीं हमने एगो नर्सरी में और प्री प्राइमरी में एगो कार्यक्रम करब सर। तो यहाँ सैंकलीमा में है सर, जहाँ पर किरी किड्स के नर्सरी बा और एक अलावा एगो दूसर प्री प्राइमरी सेक्शन भी बा, एकरा चलावेलन दुलों के चलावेलन श्रीमती मिधागा जाधर। उस सात बरी से है क्षेत्र में हवन काम करत हवन और उनकर संगे एक दू तीन नहीं बाकी 14 गो महिला काम करेलन सर। तो कैसे ई महिला लोग है क्षेत्र में अलन सर, काम करत हवन सर, सीखलन सर और आगे बढ़त हवन सर, अपन जीवन में तरक्की करत हवन सर, ये सब जानब सर। लड़का लोग के कार्यक्रम भी देखब सर, जो क्रिसमस के मौका पर ही वो लोग तैयार कर ले हम सर। तो चली जा हर सफर में संगे जाएला सर। क्यूपी स्थित किडी किड्स नामक नर्सरी प्री प्राइमरी और आफ्टर स्कूल के शुरुआत श्रीमती मिधा गजाधर आगे तक कच्चोबोन में कर ले रलन। वहाँ 5 बरिस के लड़का लोग स्कूल के बाद दीर्घो गतिविधि में भाग ले हुए जात रलन सर। तब मिधा प्री प्राइमरी खोले के सोचलन। कामकाजी माँ बाप लोग के विचार आल तो नर्सरी भी खोलन। कंप्लीट करते हैं 3 इयर्स में तो फिर वो मेरे प्री प्राइमरी स्कूल में चले जाते हैं। फिर प्री प्राइमरी जब ख़त्म करते हैं तो फिर वो मेरे आफ्टर स्कूल क्लब में आते हैं प्राइमरी स्कूल के बाद। तो इससे बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं और पेरेंट्स जो हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्योंकि मैं पूरे साल काम करती हूँ। तो बस वर्किंग पेरेंट्स के अराउंड ये कॉन्सेप्ट था और उसी के अराउंड बढ़ते जा रहा है। जैसे कि मैं खुद एक अध्यापिका हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चे कैसे होते हैं, उनके व्यवहार कैसे होते हैं, घर पर अलग होते हैं और पाठशाला में अलग होते हैं। तो इसीलिए मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया है कि हम दोनों काव्या को छोटे से ही काफ़ी 2 साल से पहले से ही एक नर्सरी में डालेंगे, क्योंकि जब दोस्त के साथ रहते हैं और बच्चों के साथ रहते हैं उनके व्यवहार कुछ अलग होते हैं और घर पर कुछ अलग होते हैं। 5 बजे तक छोड़ूंगी और निश्चित रूप से स्कूल जाऊंगी, काम करूंगी और आऊंगी, लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूं यहां पर इसकी देखभाल खूब होती है, ठीक से रहती है। नर्सरी के विभाग में हमनी के मुलाकात मिस सिसिर से भी हो, जो पीती पीती लड़का लोग के सुलावत रहल, खियावत रहल। वो हाई क्षेत्र में काम करके बहुत खुशी महसूस करेलन और गर्व भी महसूस करेलन।
मेधा बोलेलन की हई क्षेत्र में आय के विचार उनकरा अपन खुद के लयका से आल। उनकर दुगो बेटी के स्कूल के बाद कहाँ विदा करियन, तभी से स्कूल के बाद गतिविधि चलावे होला केंद्र के उपाय सुझल। मैं अपोलो में काम करती थी माइक्रोबायोलॉजी में, जब मैं लंदन से आई थी यहाँ पे, तो मेरे बच्चे स्कूल यहाँ पे 6 महीना ऑलमोस्ट 5 महीना छुट्टी पे होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ इनका। तो मैंने ये सोच के, और फिर आफ्टर स्कूल 3 ईयर्स के बाद, 3 PM के बाद क्या करेंगे बच्चे, क्योंकि या तो वो घर में रहेंगे दादा दादी के पास, मेरे पास वो फैसिलिटी उतना नहीं था, तो ये सोच के मैंने ये आफ्टर स्कूल एक्टिविटी क्लब और हॉलीडे क्लब खोला। क्रिकेट स्कूल में जब हमने गैली सर, तो हुआ आफ्टर स्कूल गतिविधि चलावल जात रहल। मिस काजल लड़का लोग के डांस के कुछ स्टेप्स सिखावत रहलन। ओमेप में कोर्स लेवे के बाद काजल के पिति पिति लड़का लोग के संगे काम करे के रुचि रहल। ओमेप में कोर्स लेवे के बाद उ 3 बरी से हिया काम करेलन। काजल के पिति पिति लड़का लोग के संगे काम करे के रुचि रहल, तो उ हये क्षेत्र में कोर्स करलन और हये काम चुनलन। मेरा सपना था बच्चों के साथ काम करना, और मैंने जब मैंने अपने कॉलेज फिनिश किया तो मैंने उसी से शुरू किया अपनी करियर। अभी मैं MI कर रही हूँ अपनी कोर्सेज टीचर सर्टिफिकेट करने के लिए, तो मैं यहाँ 3 साल से हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ यहाँ पे, बच्चों के साथ कैसे कैसे काम करते हैं। एनुअल पार्टी के लिए बच्चों को तैयार किया, और गाना, क्रिसमस सॉन्ग्स और डांस करना सिखाया। आगे मैं इसी फील्ड में रहूँगी, क्योंकि वही मेरा सपना था बचपन से टीचर बनने के लिए, तो इट्स अ प्राउड फीलिंग टू बी अ टीचर। लड़का लोग यहाँ धीर को गतिविधि में भाग लेवे आवेलन सर, उनकर विकास होवेला। क्रिसमस के अवसर पर ही लड़का लोग अपन खिलौना के लिस्ट भी बना दे ले रहलन सर। J'habite à Kiopi, ça fait depuis 7 ans je viens ici. C'est top, on fait beaucoup d'activités. On fait la créativité, les chants pour Noël. On avait déjà fait la Noël party. Kidikit, c'est très beau comme école. Pour la Noël, j'ai envie d'avoir une cuisine en rocher, des figurines de ma station. Ouais, c'est ce que j'ai demandé pour la Noël. Je reste ici depuis 2 ans. Ce que j'aime bien dans cette école, c'est que tout le temps je peux voir mes amis, j'ai beaucoup de personnes pour jouer. Ici à l'école Kiriki, j'aime beaucoup les activités. लड़का लोग मिस कोविला के संगे भी गतिविधि में व्यस्त रहलन सर। छुट्टी के दिन में लड़का लोग के लेके एक्वेरियम जाए के कार्यक्रम रहल। मिस कोविला मार्च महीना से हियाँ काम करत हवन। 15 बरिस के रहलन, तब से लड़का लोग के संगे काम करे के रुचि रहल और आज हये काम करत हवन। Puis ça veut dire l'âge 15 ans, je me développe, je suis bien content de travailler avec mes enfants. Et ça fait un grand plaisir parce que je suis bien content de mon bébé, mon grand, n'importe quel âge, je suis bien content de travailler avec mes enfants. Je fais commencer ma conformation. After school, ke baad ke gativiti suru karlan, tam medha ke dusar gativiti chalave ke vichar aal, jekar se lekalo ke vikas bhi hoi aur manoranjan bhi.
चाहे वो संगीत हो, नृत्य या फिर स्पोर्ट्स संबंधी गतिविधि। बड़े बच्चों के लिए जो कि 5 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक है, वो लोग स्विमिंग सीख सकते हैं, वो लोग डांस सीखते हैं, प्रॉपर डांस, प्रॉपर म्यूजिक, गिटार, कीबोर्ड, फ्लूट, डांस में बैले, इंडियन क्लासिकल डांस और ओरिएंटल डांस, और कराटे सीखते हैं, जूडो सीखते हैं। हर रोज़ 1-2 एक्टिविटी होता है। उसके अलावा हिंदी क्लासेस होता है, इंग्लिश क्लासेस होता है, फ्रेंच क्लासेस होता है, मतलब उन बच्चों के लिए जिनको कि नहीं आते या जो पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे और भी सीखे, तो ये सब क्लासेस भी होते हैं। लेकिन लोग जस्ती हम अक्षर ज्ञान कराएगा और वाक्य बनाए के और ऐसे मंत्र पढ़ाएगा सर, जब मैं अपन संस्कृति जानी, अपन भाषा जानी और कैसे चाहना व्यवहार में आए के लोग के डिसिप्लिन सिखाएगा सर, इसे नियंत्रण में रहे के और ऐसे भजन भी सिखाएगा सर, जब मैं हिंदी के साथ साथ थोड़ा भजन भी जन सर और ऐसे डेवलप हैं सर जीवन में। 1 साल होता जब से यहाँ पर हम हिंदी के पाठ पढ़ाएगा। जो भी बच्चे क्रिकेट्स में आते हैं, मैंने देखा है, अभी मेरे साथ वो बच्चे 3 साल के थे, अभी वो 10 साल के हो गए हैं और अभी वो सीपी दे रहे हैं, अभी जो भी है, तो वो सारे अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, वो डरते नहीं हैं कि अच्छा यहाँ पे मुझे परफॉर्म करना है, या वो शाई नहीं है, उन वो अपने व्यूज़ क्लियरली डालते हैं सबके सामने, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल। आजकल बुक का नॉलेज उतना ज़रूरी नहीं जितना कि पर्सनालिटी होना ज़रूरी है, तो वो पर्सनालिटी पे हम लोग काम करते हैं और वो बहुत अच्छा होता है। पर्सनालिटी मेरे स्कूल में आने वाले बच्चों का काफ़ी अच्छा होता है, वो डरते नहीं हैं, किसी से भी नहीं डरते। गिरी किड्स के नर्सरी, आर प्री प्राइमरी तथा आफ्टर स्कूल खातिन कुल 14 गो महिला काम करेलन सा, मेधा तो अपन ही काम शुरू करलन, एकर संगे दूसर आर महिला लोग के काम करे के संभावना लोकल। मिस प्रेमिला, जब से स्कूल खोलल तब से हुआ काम करत हुआ। महिलाएं अराउंड 14 है और 2 मेल भी हैं, एक स्पोर्ट्स टीचर है और एक हिंदी टीचर है, 2 मेल भी हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा हैं 14, क्योंकि मुझे लगता है ये महिलाएं, हम लोगों में ये मातृत्व भरा हुआ है और बच्चों के फील्ड में वो बहुत अच्छा से काम करते हैं, पूरे शिद्दत से काम करते हैं, तो इसीलिए महिलाएं ज़्यादा हैं। 5 साल हो गया था हाई स्कूल में हम काम कर रहे थे और हाई फील्ड में हम तकरीबन 15 साल से है। आगे कहाँ काम कर रहे? आगे हम यूके में रहने, यूके में हुआ पड़ी, हुआ पर के होम में काम करा थी और बोलाते काम करा थी स्कूल में हुआ पड़ी। पढ़ सीखे के कि कैसा कैसे चाहिए लड़का लोग के संभाले के? नहीं, हम लड़का लोग के खुशी रहे ना, शादी करे से आगे हुए लड़का लोग से हम ढेर आप बिचे रहनी, तो हमके उतना मुश्किल नहीं हुई है काम में आई के, बस कि हम लड़का लोग के खुश रहना ढेर, तो वो लोग समझी ना से माँ कू सा पढ़ा ले के, तब मैं हाई फील्ड में सब सा जस्ती निमन से जाने कुंज करे के अप टू डेट रहे के सब काम के। शुरू शुरू में थोड़ा साथ रहनी सर,
जब जाथलन सा प्राइमरी स्कूल त रुवा थनि सा तब हमर बॉस बोलक नै कहै फील में रहब सा त चाहे लात नि उतना अटैच नै रहे के बस यो लोग के हाय ये काम है यहाँ आवे लन सा बड़ा हो के त चल जालन सा तब अब मजे जानी ना सा छोटा सो लोग के देखनी सा बड़ा हो गयलन सा अब लोग अपन दूसर जिन आगे के फील्ड में जातवन सा अपन सक्सेसफुल लाइफ खाते और पाशंस नहीं जानी कहाँ से आवे लाइसन इतना पाशंस है लेकर लोग के दिखे के तो अमर अपन लेकर दिखे को इतना पाशंस नहीं बा जितना लिकुल के लेकर लोग के दिखे के पाशंस एंड जून है हमने लेकर लोग मूवे करेला डिजो सब इसमें हमने के पाशंस रहेला बस के हमने के है प्यार जन बा लेकर लोग के तो हवि खाती मुको हमने के भगवान देवे लाई पाशंस ये काम करे खाती साल के शुरू ही से हमने कमौसे कर देना सा प्रिपेयर करके बस लड़का लोग के चाहला प्रिपेयर करके यार इतना ऑडियंस के आगे आए कि लोग के फासिल नहीं हाल है लड़का लोग के तो हवे से हमने साल के शुरू ही से ढेर फेट करी ना सा कैसे पेरेंट्स डे ग्रैंड पेरेंट्स डे ऐसा सब करी ना सा तब पेरेंट्स लोग के इन्विटे करी ना सा तो जैसे लड़का लोग दिखेला तो उतना लोग के डर नहीं रहेला जब एनुअल पार्टी करी ना सा नर्सरी में हमनी के भेंट मिस करुणा से भी होल जोन गल चार बरी से ही यहाँ काम करत हवन वो बोलेलन कि हर क्षेत्र में काम करला से उनकर जिंदगी में अहम बदलाव आल उनकर जीवन के एगो सुनहरा सफर शुरू होल यहाँ के सब लड़का उनकरे लड़का हवन सा मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और बच्चों को खाना खिलाना चेंज करना सब कुछ सुनाना गाना मैं यहाँ पर 4 साल से काम करती हूँ पहले मैं कारखाना में काम करती थी अब मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ जब से मैं ये काम करती हूँ घर पर भी मैं कंट्रीब्यूशन सब कुछ करती हूँ इकोनॉमिकली मैं इंडिपेंडेंस हूँ और बच्चों को चेंज करना सुलाना खिलाना ये सब मुझे कोई समस्या नहीं है मैं बहुत खुश हूँ और दिल से मैं ये करती हूँ मेरी कोई बच्चा नहीं है मेरे अपने बच्चा नहीं है लेकिन ये सब मेरे बच्चे जैसे हैं जैसे नहीं मेरे ही बच्चे हैं हमनी के भेंट मिस वीमा से भी होल जुन गल एक बरी से यहाँ काम करेलन आगे तक काम नहीं करत रलन बाकी परिवार और लड़का लोग के भविष्य के सवारे खातिर सोचलन कि वो भी सकन अपन घर में अपन आर्थिक योगदान देवे आगे काम नहीं करने से नहीं शादी के बाद भी काम नहीं करते थे अब सोचनी जब बच्चे बड़ा हो गल बा तब काम करने की सोचनी हम अब घर कलिक की मदद करेला जैसे पढ़ाई में लिखाई में और खाना सब तैयार करेला पकाएला बच्चे के लिए जब से यहाँ काम शुरू करनी बट हमारे लड़का के लिए सूँ पेये करने शुरू कर दी ऐसे फ़ायदा हो गया या काम करके आगे कोनो क्वालिफिकेशन नहीं रहल लेकुल में काम करके जब यहाँ आईली तब बुलंद सा के क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग लेवे के लेकुल में काम करके ट्रेनिंग लेवे चाहिला तो मैंने कू के बाद हम हजा काम करीला ये कुछ से बहुत कुछ सीख ली कैसे काम करेला लिकुल में लड़का संगे हम मना मिला के वैसे करेला हम के मौका दे लेबा कर लिकुल में काम करके और सब को लेकर के वैसे करेला हमारे मदद करने के मदद किया जा बच्चे लड़का संगे काम करके दूसरे मरम को लोग के अवकाजे करेला काम करके लड़का संगे लिकुल में काम हुआ फिसल नहीं बा चाहे बहुत पाशों से लेके लड़का संगे काम करे के लेकुल में
यहाँ काम करे होला 14 गो महिला में मिस शेन और मिस उमा भी हवन सर जो गर्ल कुछ बड़ी से हर क्षेत्र में काम करत हवन और यहाँ लड़का लोग के आर हियाँ लड़का लोग के आर एगो दूसर माँ के भूमिका निभावत हवन सर Nous faisons une programmation, nous guettons qui activité qui nous les fait autres faire, qui intéresse autres surtout. Et à ce moment-là, nous prépare autres shows. बीसबरी से हर क्षेत्र में काम करत हैं साल के अंत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की तैयारी करत हैं सर कुछ लड़का लोग हाल ही सीखेलन सर तो कुछ लड़का लोग जस्ती समय लेवेलन सर दो तीन महीना लग जाला जोन में उ लोग के रुचि रहेला हवे सिखाईला सर लड़का लोग के संगे बहुत ही समय बिताईला सर खाली किताबी पढ़ाई नहीं करेला सर लड़का लोग घर से हियाँ आवेलन सर तो हियाँ ध्यान प्यार लगाव के उम्मीद रहिला हाँ ये उम्मीद हमने पूरा करिला सर c'est nous au fait qui amène aussi ça côté réconfort là parce que ce petit zut la case peut venir avec nous tous les jours donc nous besoin là avec zut मिस उमा पांच बरी से हर क्षेत्र में काम करत हवन हर क्षेत्र में आय के प्रेरणा उनकरा अपन दुगो लड़का से मिलल तब से सीखते गयलन और बहुत ही प्यार से हर काम करत हवन Pour commencer, j'ai pris mes cours à HHC, c'est Handcraft Chef Training. Sambandhit course lady. Basic course, MI gaili. Du baris ke course pura hol. Hamar khud ke vikas bhi hol. Hai kaam se. Bon, la patience, surtout avec les enfants. Après, apprendre beaucoup sur les enfants même. Laika we se, aap bahut kuch sikhba. Jaise school ke nideshika, Mrs. Medha bolelan. In bachcho se aap बहुत कुछ सीख सकते हो बहुत कुछ सीख सकते हो और मैं रोज़ सीखती हूँ कुछ चाहे वो कहिए तो किसी को प्यार करना दिल से प्यार करना बिना कुछ इच्छा के वो आप इनसे सीख सकते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी का भलाई करना बिना ये सोचे कि उससे मुझे क्या मिल सकता है Que papa Noël apporte que un patin roulette et un télescope et un tablette. Moi je veux des pâtes à glace et des rollers. J'ai une petite idée, c'est une voiture Ferrari. Je veux une trottinette Ferrari. Je veux papa Noël. Papa Noël fait ha ha. Je veux un robot qui transforme en voiture. हर क्षेत्र में मिस याचना के भी तजुर्बा के बारे में जाने के मौका मिलल जो तीन बरिस से काम करत हवन नर्सरी प्री प्राइमरी हॉलीडे क्लब आदि में तीन महीना से आठ बरिस के लड़का लोग के संगे काम करत हवन Mon maman est contente que je travaille dans ce domaine-là. Mon maman, mon papa, ils bien poussent moi pour travailler dans ce domaine-là. हमार माँ चाहत रहल कि हम हर क्षेत्र में काम करब तो हर एक क्षेत्र में चलेली माँ बाप लोग के प्रोत्साहन मिलल मदद मिलल स्कूल के बाद संबंधित कोर्स ले ली लड़का लोग के संगे काम करे के बहुत अच्छा अनुभव रहेला संतुष्टि मिलेला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होवे के भी मौका मिलल हमार सोचे समझे के ढंग में ही बदलाव चला चाहे धैर्य हिम्मत आसान नेबा काम करे के बाकी चाहे प्यार आड़ लगा नौजवान लोग के हर क्षेत्र में आके प्रोत्साहित करेला Encourager parce qu'il y a un domaine, il n'est pas facile, mais si on a l'amour pour les enfants, si on compte les enfants, on ne peut pas travailler. Encourage beaucoup de jeunes pour entrer dans ce domaine-là. Arthik roop se bhi bahut madad hui hai, kyunki financial independence mujhe hai aur saath mein mere saath mein kaam karne wali wo sari mahilaon ko bhi hai. Wo log mere saath kaam karke khush hai. Wo log ko pata hai ki unka jo bhi hai, wo log apne liye kuch khareed sakte hain. और किसी पे आश्रित नहीं होना है अपना लोन ले रहे हैं सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है और वो देख के अच्छा लगता है तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं बच्चे सबसे अच्छे टीचर हैं अगर आप सच में इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए कि क्या आप बच्चों के साथ काम कर सकते हैं क्योंकि ये आसान काम नहीं होता इसमें बहुत पेशेंस चाहिए अगर आप में पेशेंस है आप में लगन है आप बच्चों को दिल से प्यार करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए है क्योंकि ये फील्ड में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है डिग्री हो नहीं हो आप मास्टर्स नहीं किए हो आप ग्रेजुएशन नहीं किए हो
लेकिन बेसिक डिग्री होना ज़रूरी है बच्चों के साथ, और फर्स्ट एड का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी भी किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप जहाँ पे भी कोर्स करिए वो देखिए कि वो कोर्स रिकग्नाइज्ड हो MI के थ्रू, और बच्चों को प्यार आप दिल से करिए। पैसा तो आ जाएगा अगर आप काम ठीक से करिएगा, यही मैसेज है कि आप ये सोच के मत खोलिए प्री प्राइमरी कि अच्छा बिजनेस है, लेकिन ये सोच के चलिए कि नहीं, ये बच्चे मेरे जीवन है, तभी आप इसमें आगे करिएगा। तो जैसे देख ले जा कि कैसे दूसर दूसर क्षेत्र में महिला तक काम करे लन सर, बाकी ई महिला लोग अपन लड़का के देखे लन सर, बाकी हियाँ पर ही स्कूल में आके दूसर जना के लड़का देखे लन सर, अपने लड़का नियन वो लोग की देखभाल करे लन सर, चाहे प्री प्राइमरी हो कि नर्सरी हो। तो हयोग क्षेत्र में ई महिला लोग आगे बढ़त हवन सर, तरक्की करत हवन सर। कार्यक्रम देख ला जा, बहुत ही धन्यवाद। तो है मौका पर ही हमने आप लोग के नवा साल के शुभकामना दे बताई सर, और मैरी क्रिसमस भी, कहे कि जोन फादर क्रिसमस हवन वो खाली तोहफा नहीं आने लन, बाकी ई महिला लोग भी एगो पे नोवेल ही नियन हवन सर, सकब जा बोले मेया नोवेल, वो लोग प्यार बाँटे लन सर और लगाव देवे लन सर ई लोग लयकालो खातिन। मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस के त्यौहार एगो खास त्यौहार है, खाली लड़का लोग खाती नहीं बल्कि बड़ा आदमी लोग खातिन भी। बड़ा आदमी लोग के मौका मिलेला फिर से अपन बचपन के जिए के लड़का लोग के संगे और लड़का लोग खातिन। तो जैसे देख लग जा कि है सब महिला लोग घर में अपन लड़का को देखे लन सर, बल्कि हियाँ नर्सरी में प्री प्राइमरी में उ लोग के एगो खास भूमिका रहेला। उ लोग एगो अध्यापक नियन रहेलन सर, माँ नियन हवन सर, गिद नियन हवन सर, और बोलल जाला कि लड़का लोग बचपन से ही सीखेलन सर। तो नर्सरी एगो अहम भूमिका निभावेला, और नर्सरी में काम करे होला लोग भी एगो अहम भूमिका निभावेलन सर, काल के नागरिक के तैयार करेलन सर, जमे उ लोग एगो जिम्मेदार नागरिक बनियन सर। कार्यक्रम देख ला जा, बहुत ही धन्यवाद। नमस्ते आराधा। सबसे न्यारी आजकल घर घर बैठक मंदिर में, आजकल घर घर बैठक मंदिर में, नारी के चर्चा करल जाला यरे रे रे रे, अरे रे रे रे, नारी जाती है सबसे न्यारी।